केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि आर्यवाल, मैं आपका स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज की किसी खास खबर पर। धनबाद उपायुक्त उमाशंकर सिंह ने झारखंड बॉर्डर का किया निरीक्षण। उपायुक्त ने चिरकुंडा बॉर्डर पर पहुंचकर लिया जायजा। झारखंड सरकार के आदेश अनुसार पश्चिम बंगाल से आए सभी व्यक्तियों का दोनों बॉर्डरों पर कोविड टेस्ट किया जा रहा है। जांच उपरांत पॉजिटिव व्यक्तियों को कोविड अस्पताल भेजा जा रहा है। जांच प्रक्रिया मंगलवार से जारी की गई है। बॉर्डर पर जांच का आज दूसरा दिन है। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने सभी अधिकारियों को कई निर्देश दिए तथा जांच प्रक्रिया को सख्ती से पालन करने का आदेश भी दिया। चिरकुंडा दौरे के बाद उपायुक्त ने मैथन बॉर्डर का भी निरीक्षण किया। दोनों बॉर्डरों पर बंगाल से झारखंड प्रवेश करने वाले व्यक्तियों की काफी भीड़ देखी गई। सभी व्यक्तियों को जांच उपरांत ही झारखंड में प्रवेश दिया जा रहा है। वहीं उपायुक्त ने बताया कि पश्चिम बंगाल में लोग ज्यादा संक्रमित हैं, जिस कारण बंगाल से आने वाले सभी व्यक्तियों के लिए जांच की व्यवस्था की गई है। पॉजिटिव पाए जाने वाले व्यक्तियों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा एवं होम आइसोलेशन की भी व्यवस्था की गई है। यह कार्यवाही अगले आदेश तक चलेगी और जो भी कमियां उसे दूर किया जाएगा, जिसके संबंधित अधिकारियों को नियुक्त किया गया। निरसा से अनुजीत सेन की रिपोर्ट। देख रहे हैं, इससे आप संतुष्ट? बिल्कुल संतुष्ट हैं और अच्छी व्यवस्था है दोनों जगहों पे। आज ही हमारा दूसरा दिन है। कुछ कमियां हैं तो उस कमियों को फिर दूर करने के लिए बोला गया है और हमारा उद्देश्य है कि जितने भी लोग आएंगे उन सबों की अनिवार्य जाँच की जाएगी कि सभी अवगत हैं कि वेस्ट बंगाल में ज्यादा संक्रमण है। अगर वहां से लोग हमारे राज्य के अंदर प्रवेश कर रहे हैं तो उनकी जांच अवश्य होनी चाहिए ताकि पता चल सके कि संक्रमण वाले आदमी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो उनको तुरंत यहां के नज़दीकी हॉस्पिटल में हम एडमिट कराएंगे। हम लोगों ने होम आइसोलेशन की भी सुविधा दी हुई है। अगर कोई व्यक्ति चाहते हैं होम आइसोलेशन में जाना, उनको भी सर्टन कंडीशन पर बेस्ड होकर हम होम आइसोलेशन की सुविधा प्रदान करें। ये कार्रवाई लगातार अगले आदेश तक के लिए चलेगी। जो भी थोड़ी बहुत कमियां हैं उसको दुरुस्त करने के लिए संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को, अंचल अधिकारी को और संबंधित एसडीपीओ को निर्देश दिया गया। सर, अभी सूचना आई है कि एक पॉजिटिव केस आया था और हाँ, एक बंदा भाग गया। मेरे सामने ही भागा था तो मैंने इनको बोला है थाना प्रभारी को कि आप उसका पूरा ट्रैक निकालिए, उसका मोबाइल नंबर और पता वगैरह निकालिए और वो कहीं भी भागेगा उसको ढूंढ के निकाला जाएगा। ये कितने दिन तक चलेगा? अगले आदेश तक चलिए। ठीक है।